हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हमारी जो टॉपिक है वो हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चल रहा है और जो हम टू एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज पे हम पहुंचे हैं। फंक्शन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फंक्शन प्लस टू के अंदर भी है। अच्छे से इसको समझ लीजिए, आगे प्लस टू में भी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन होता क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए फंक्शन की। फंक्शन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज ही समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन दे रखी है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दो सेट है यहाँ ए से बी तक, हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन एक टाइप का स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट के एवरी एलिमेंट की ओनली एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी के अंदर वन इमेज होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली वन इमेज इन बी। अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मान लो ए का कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो भी वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए के प्रत्येक एलिमेंट, जो पहला सेट होगा हमारा ए नाम दे दीजिए चाहे एक्स नाम दे दीजिए, उसके एवरी एलिमेंट की ओनली एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन होगा। पहला सम में हमारा ओनली इस डेफिनेशन पे बेस्ड सम है। डेफिनेशन अच्छी समझ में आ गई तो वो पहला सम ही समझ में आ गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ये हमारी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है और इसको कम से कम 5-6 बार पढ़ लेना है। और स्पेशल टाइप के फंक्शन भी हमें दे रखे हैं, उनको भी आपने अच्छे से रीड करना है। उम्मीद करता हूँ एनसीईआरटी की बुक सभी के पास होगी। सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन दे रखे हैं और स्पेशल टाइप के ग्राफ दे रखे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है जिसकी डोमेन और रेंज सेम हो, जैसे एफ एक्स इक्वल एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर आप वन पुट करोगे तो वन आएगा, टू पुट करेंगे तो टू आएगा, थ्री पुट करेंगे थ्री। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसकी डोमेन और रेंज सेम होती है, और आर होती है वो रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पुट करें पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पुट करें नेगेटिव आएगा। और उसका अगर ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो ये 45 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रा होती है, स्ट्रेट लाइन। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इस तरह से आप इसकी थ्योरी और ग्राफ को समझने की कोशिश करें। काफ़ी टाइप के फंक्शन यहाँ दिए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि स्पेशल टाइप का फंक्शन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ग्राफ पूछ लिया जाता है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती, सेम रहती है। जैसे एफ एक्स इक्वल सी दे दिया, सी रियल नंबर है, सी रियल नंबर का मतलब सी की कोई रियल नंबर है, सी 5 हो सकता है 3 हो सकता है, तो उनका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं और उनका ग्राफ दे रखा है। पॉलिनोमियल फंक्शन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ग्राफ देख करके पहचान गए होंगे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉलिनोमियल आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। रेशनल फंक्शन जो एग्जांपल 15 में दे रखा है हमें, एफ एक्स इक्वल 1/x, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, सिग्नम फंक्शन दे रखा है। ये थ्योरी है, आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है हमें, तो इन सभी की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना और ग्राफ को समझने की कोशिश करनी है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, मोस्ट वेलकम, आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं और पर्सनल विंडो पर भी सेंड कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज की सम की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, हमें कुछ रिलेशन दिए गए हैं, बताना है कि ये इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। गिवन रीजन इफ द फंक्शन डिटरमिनेंट इट्स डोमेन एंड रेंज, हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें से फंक्शन है और कौन सा जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज मे और मे नॉट बी फंक्शन। फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है,
जो फंक्शन होगा वो रिलेशन होगा ही होगा. एवरी फंक्शन इज़ ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज मे और मे नॉट बी फंक्शन. रिलेशन है वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो. तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन है. फंक्शन की जो सेट डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन होगा. तो देखिए फर्स्ट के अंदर यहाँ हम रिलेशन दे रखा है हमें. रिलेशन में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होते हैं, हम पिछली एक्साइजों में पढ़ चुके हैं अच्छे से. ये जो पहले पहले एलिमेंट है वो पहले सेट के हैं और बाद वाला एलिमेंट है वो दूसरे सेट का है. तो इससे अगर वो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ओनली एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी है तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. तो फर्स्ट सम हम कर रहे हैं इसका, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे. जल्दी देखिए, ये हमें रिलेशन दे रखा है, इस तरह हमें रिलेशन गिवन है. दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है. यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए फंक्शन, ईच एलिमेंट ऑफ ए एक्स हैज यूनिक इमेज. जो एक्स हमने पहले सेट को नाम दिया है, मैंने यहाँ ग्राफिकली इसको समझाने की कोशिश की है. देखिए जो पहले एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14, 17 वो हमारे एक्स नाम दे दिया है मैंने इसको, और जो दूसरा हमारा सेट है उसको मैंने यहाँ पे वाई नेम दे दिया. दूसरे में क्या एलिमेंट है, दूसरे के अंदर यहाँ पे देखिए सभी में वन वन है, तो यहाँ तो वन ही एलिमेंट है. तो यहाँ देखिए इसके टू की इधर इमेज है वन, फाइव की भी इमेज है, यानी ऐसा कोई इधर एलिमेंट नहीं बचा है जिसकी इधर इमेज हो ही ना. और सभी की एक एक है, ओनली वन है, सभी की सेम हो सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है तो एक ही ना. 17 की इमेज वन या ओनली, 14 की भी वन है, 5 की भी वन है. तो ये यहाँ जो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन थी उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन है. लिख दिया हमने दिस इज फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज. इधर एवरी एलिमेंट की इधर यूनिक इमेज है तो ये फंक्शन है. अगर मान लो यहाँ 18 और होता और 18 की इधर कोई इमेज दी नहीं होती तो फिर ये फंक्शन नहीं होता. या इधर दो एलिमेंटों की सेम इमेज होती तो भी ये फंक्शन नहीं होता. तो यहाँ अब ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुली सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन है. तो फंक्शन है तो हमें डोमेन रेंज भी लिखना है. डोमेन हमें पता है, हमने पिछली एक्साइजों में पढ़ चुके हैं, जो हमारे पहले पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं और जो बाद वाला होता है वो रेंज होता है. बाद वाला यहाँ सभी में एक ही है तो ये हमारा एक ही रेंज हो गया. डोमेन और रेंज हमारी ये हो गई और ये फंक्शन है. ये जो रिलेशन है ये फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, फंक्शन है ये. थर्ड पार्ट करते हैं हम, सेकेंड ट्राई करेंगे खुद. थर्ड जो पार्ट हमारा बुक में दे रखा है वो देख लीजिए, 1, 3, 1, 5, 2, 5. दिस इज ए नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है. देखिए 1, 3, 1, 5, 2, 5. दिस इज ए नॉट फंक्शन ऑफ दे आर वन एलिमेंट. यहाँ पे वन एलिमेंट जो वन है, एक एलिमेंट ऐसा है और वो एलिमेंट वन है जो बिलोंग एक्स को कर रहा है, मतलब पहले सेट को कर रहा है. विच डज नॉट हैव ए यूनिक इमेज, उसकी कोई यूनिक इमेज नहीं है. यहाँ ग्राफिकली देख लीजिए, पहले एलिमेंट 1, 2 होंगे, इधर 3, 5. जो वन एलिमेंट है उसकी 3 भी इमेज है और उसकी 5 भी है, यूनिक नहीं है. उसकी दो इमेज आ गई, बट डेफिनेशन कहती है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो यहाँ यूनिक इमेज नहीं है इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन नहीं है तो हमें कोई डोमेन रेंज नहीं लिखनी है. उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन की पहचान अच्छे से होगी होगी. देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है. चेक करना भी ऐसे आ सकता है. सेकेंड सम देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. हमें इनकी डोमेन और रेंज निकालनी है फंक्शन की. अब तक हम रिलेशन की डोमेन और रेंज निकालते रहे हैं, यहाँ फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज निकालनी है. सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही ओनली हम कर रहे हैं. एफ एक्स इक्वल माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखा है. डोमेन का मीनिंग, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी मीनिंगफुल होनी चाहिए. एक्स की क्या क्या वैल्यू यहाँ हो सकती है जिसपे ये हमारा मीनिंगफुल हो, नॉट डिफाइंड ना हो, डिफाइन हो, रियल भी हो. तो एस में हमारी क्या हो सकती है डोमेन और रेंज, देखिए इस पार्ट को हम कर रहे हैं. हमने एफ एक्स मान लिया यहाँ पे. हेयर एफ एक्स जो फंक्शन है हमारा वो मॉडुलस एक्स है. डोमेन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज मीनिंगफुल, यानी एक्स की वो वैल्यू का सेट जिसमें एक्स मीनिंगफुल हो, मतलब नॉट डिफाइंड ना हो, इन्फिनिटी ना हो, इमेजरी ना हो, रियल भी होना चाहिए, डिफाइन भी होना चाहिए. तो ऐसे कौन कौन सी वैल्यू, द सेट ऑफ ए वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज मीनिंगफुल. मीनिंगफुल एक्स की किस किस की वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ लिखा हमने आर. आर का मीनिंग रियल नंबर, यानी एक्स को कुछ भी पुट कर दीजिए आप, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी पुट कर दीजिए, एफ एक्स की कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वैल्यू ही आने वाली है. तो यहाँ जो डोमेन है वो आर हो गया हमारा. अब यहाँ मॉडुलस लगा रखा है, देखिए
आल्सो ये लिखा यहाँ पे मॉडुलस, नेगेटिव नहीं है यहाँ मॉडुलस, तो एक्स की वैल्यू चाहिए नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव कर देगा, ये जो साइन दिखा रखा है मॉडुलस बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं या मॉडुलस भी बोल सकते हैं, ये अगर अंदर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव का काम करता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, जैसे मान लो एक्स की यहाँ 4 है तो 4 का मॉडुलस 4 ही रहेगा, अगर यहाँ नेगेटिव 4 है तो वो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो ये हमेशा जीरो से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव होता है, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव होगा मॉडुलस, और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया ये तो देखो इतना इतना तो पॉजिटिव आने आने वाला है, और इसके आगे नेगेटिव लगा दिया तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी जीरो से लेस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो भरेंगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, बाकी सभी वैल्यू के अंदर ये नेगेटिव रहेगा मतलब जीरो से लेस रहेगा, एफ एक्स है वो भी जीरो से लेस हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग रियल नंबर, ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर ऑल लिखें और मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये वी की तरह ऐसे करके काट देते हैं, ये फॉर ऑल का साइन होता है, मैथमेटिक नोटेशन भी मैं सेंड कर दूंगा आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स बिलोंग रियल नंबर, यानी यहाँ पे एक्स को कुछ भी पुट करें आउटपुट क्या क्या आएगी, आउटपुट जीरो आएगी या जो भी आएगा वो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, यानी जो रेंज होता है जो आउटपुट हो क्या क्या आने वाला है, तो रेंज हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इधर क्लोज इंटरवल होगा और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इस बात का ध्यान रखें, इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कहीं भी क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी की साइड नहीं लगेगा, इन्फिनिटी की साइड ओनली ओपन इंटरवल लगेगा, तो इधर ओपन लगना है इधर क्लोज लगना है, क्योंकि जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आएगा, तो ये हमारी रेंज होगी और ये हमारी डोमेन होगी, डोमेन पे इस रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब रियल नंबर हम कोई भी भर सकते हैं, मीनिंगफुल स्टेटमेंट होगी, और रेंज का मतलब जो यहाँ कोई भी भरोगे तो आएगा हमेशा इसके बीच का ही, तो ये डोमेन और रेंज हमने सेकंड के फर्स्ट पार्ट की कर ली है, इतना ही हम आज करेंगे, सभी ने समय से होमवर्क करके सेंड कर लेना है, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है और काफ़ी टाइम रीड करके लिख के भी देखना है, और बाकी जो आगे फंक्शन दिखा रखे थे आइडेंटिटी फंक्शन मॉडुलस फंक्शन उन सभी फंक्शनों को भी अच्छे से रीड कर लेना है।